वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं नीट के प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है, इस्ट्रोजन इज यूज टू अवॉइड प्रेगनेंसी वी कॉज इट। इस्ट्रोजन का यूज क्यों किया जाता है प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए? पहला ऑप्शन है प्रिवेंट ओवुलेशन एंड इम्प्लांटेशन, क्या ये ओवुलेशन और इम्प्लांटेशन नहीं होने देता है? दूसरा ऑप्शन है प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, क्या ये फर्टिलाइजेशन से प्रिवेंट करता है? तीसरा ऑप्शन है इनहैबिट स्पर्म मोर्टेलिटी, क्या ये स्पर्म की मोर्टेलिटी को स्टॉप कर देता है? चौथा ऑप्शन है फॉर्म सर्वाइकल कैप, क्या ये सर्वाइकल कैप का फॉर्मेशन करता है? इस्ट्रोजन का यूज इसलिए किया जाता है टू अवॉइड द प्रेगनेंसी, क्यों? क्योंकि ये ना तो ओवुलेशन होने देता है ना तो इम्प्लांटेशन होने देता है। अगर ओवम नहीं रिलीज होगा, ओवम जब तक स्पर्म से फ्यूज नहीं करेगा तब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तब तक जायगोट का फॉर्मेशन नहीं होगा, तब तक आगे का फर्दर जो है डेवलपमेंट नहीं होगा। तो इस्ट्रोजन हार्मोन का यूज क्यों किया जाता टू अवॉइड द प्रेगनेंसी, क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है ओवुलेशन और इम्प्लांटेशन नहीं होने देता। सो द करेक्ट आंसर इज ए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following is a hormone releasing intrauterine device? इन चारों में से hormone releasing intrauterine device कौन सा होता है? पहला ऑप्शन है LNG-20, दूसरा ऑप्शन है मल्टीरोड 375 और तीसरा ऑप्शन है सर्वाइकल कैप, चौथा ऑप्शन है वॉल्ड। ये दोनों टेक्निक कैसी होती हैं? ये दोनों बैरियर मेथड के अंदर आता है। बाकी मल्टीरोड 375 ये किसके अंदर आता है? ये कॉपर रिलीजिंग के अंदर। बचा क्या है? LNG-20। LNG-20 किसके अंदर आता है? हार्मोन रिलीजिंग आईओडी के अंदर आता है। सो द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज LNG-20। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड प्रोवाइड सम प्रोटेक्शन अगेंस्ट HIV? ऐसा कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जिसका यूज किया जाता है HIV से प्रिवेंट करने के लिए? मीन्स HIV क्या है, क्या डिजीज, कौन सी डिजीज कॉज करता है? एड्स। और एड्स किस टाइप की डिजीज होती है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो कॉन्डम ही एक ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से प्रिवेंट करता है। बाकी कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से प्रिवेंट नहीं करता है। उसमें ऑप्शन में दिया गया है क्या क्या, IUD, पिल्स और कॉन्डम। कॉन्डम दे दिया गया है यहाँ पर, हम कॉन्डम पे टिक कर देंगे। तो सब करेक्ट आंसर हमारा क्या है? सी, दैट इज कॉन्डम कैन प्रिवेंट द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड मेक यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। इन चार में से ऐसा कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो यूट्रस को बचाता, मतलब यूट्रस को जो है अनसुटेबल बना देता है कि उसके अंदर इम्प्लांटेशन इम्पॉसिबल है? पहला ऑप्शन है डायफ्राम, दूसरा ऑप्शन है कॉन्डम, तीसरा ऑप्शन है IUD, चौथा है नेचुरल मेथड। IUD इंट्रायूट्राइन डिवाइस, ये यूट्रस को अनसुटेबल बना देता है कि यूट्रस के अंदर अब जो है इम्प्लांटेशन इम्पॉसिबल है, मीन्स अब यूट्रस के अंदर इम्प्लांटेशन नहीं हो सकता है। सो द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज इंट्रायूट्राइन डिवाइस कैन मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल डेवलप बाई साइंटिस्ट ऑफ CDRI लखनऊ इज। ऐसा कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है जिसकी डिस्कवरी CDRI लखनऊ में हुई थी, CDRI लखनऊ के साइंटिस्ट लोग ने की थी? सबसे पहला ऑप्शन है MALA-D, दूसरा ऑप्शन है MALA-N, तीसरा ऑप्शन है सहेली। सबने सुना होगा सहेली ही सबसे पहला कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जिसकी डिस्कवरी CDRI लखनऊ में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? CDRI लखनऊ में हुई थी, वहाँ के साइंटिस्ट ने सबसे पहले सहेली की डिस्कवरी की थी। तो यहाँ पे पूछा गया कि CDRI में किसकी डिस्कवरी हुई थी, कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव पिल की डिस्कवरी हुई थी? सो द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज सहेली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेज इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ। मेज किसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है, मीन्स मेज के अंदर किस टाइप का पॉलिनेशन होता है? मेज के अंदर विंड पॉलिनेशन होता है, और विंड पॉलिनेशन को बायोलॉजिकल नेम से हम किस नाम से जानते हैं? पहला ऑप्शन है एनिमोफिली, दूसरा ऑप्शन है ओरिंथोफिली, तीसरा ऑप्शन है इंटीमोफिली, चौथा ऑप्शन है हाइड्रोफिली। मेज के अंदर विंड पॉलिनेशन होता है और विंड पॉलिनेशन को एनिमोफिली बोला जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट पॉलन जर्मिनेशन एंड ट्यूब ग्रोथ। इन चार में से पॉलन जर्मिनेशन और ट्यूब की ग्रोथ में कौन हेल्प करता है? पहला ऑप्शन है स्टार्च, दूसरा ऑप्शन है बोरॉन, तीसरा है कैल्शियम, चौथा है पोटेशियम। बोरॉन क्या करता है? बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पॉलन की जर्मिनेशन में और ट्यूब की ग्रोथ में। सो द करेक्ट आंसर इज बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर फर्टिलाइजेशन द सीड इज डेवलप्ड फ्रॉम। फर्टिलाइजेशन होने के बाद सीड का डेवलपमेंट किससे होता है? फर्टिलाइजेशन के होने के बाद ओवरी जो है वो फूड में डेवलप होती है और ओव्यूल जो है वो किसमें?
सीड में, तो यहाँ पे सीड का पूछा गया है, सो द करेक्ट आंसर इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एम्ब्रियो. एम्ब्रियो ऑफ सनफ्लावर हैज, सनफ्लावर के एम्ब्रियो के पास कितना कोटिलेडन प्रेजेंट होता है? पहला ऑप्शन है 2 कोटिलेडन, दूसरा ऑप्शन है 1 कोटिलेडन और तीसरा ऑप्शन है 8 कोटिलेडन, चौथा ऑप्शन है 9 कोटिलेडन. सनफ्लावर के एम्ब्रियो के पास 2 कोटिलेडन प्रेजेंट होते हैं. कितने कोटिलेडन होते हैं? 2 कोटिलेडन. सो द करेक्ट आंसर इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंडोस्पर्म ऑफ एंजियोस्पर्म इज, एंजियोस्पर्म का एंडोस्पर्म कैसा होता है? 3N होता है कि 2N होता है कि N होता है कि 4N होता है? एंजियोस्पर्म का एंडोस्पर्म जो है वो 3N होता है. कैसा होता है? 3N. सो द करेक्ट आंसर इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिलीफॉर्म एपरेटस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, फिलीफॉर्म एपरेटस के पास मतलब ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? पहला ऑप्शन है सिनर्जी, दूसरा ऑप्शन है सस्पेंसर, तीसरा ऑप्शन है एग, चौथा ऑप्शन है जाइगोट. फिलीफॉर्म एपरेटर कहाँ प्रेजेंट होता है? सिनर्जी के पास प्रेजेंट होता है. किसके पास प्रेजेंट होता है? सिनर्जी, जो कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये सिनर्जी के पास क्या होता है? प्रेजेंट होता है. सो द करेक्ट आंसर इज ए. तो हमने इस पूरे लेक्चर में नीट के प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस किया. आने वाले लेक्चर में इस तरीके से और भी बहुत सारे एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे. आज के लेक्चर यहीं तक. थैंक यू.